अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको स्ट्रेट ट्राउज़र पेंट ट्राउज़र की कटिंग करना बताएंगे। तो ये हमारे पास कपड़ा है, इसकी हम सा ये इसको हम निकालेंगे। 38 इंच का ट्राउज़र आपको बताएंगे कि उसकी कटिंग प्रोफेशनल तरीके से कैसे होती है। जी बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इस तरह से मैंने कटिंग करके रखी हुई थी। ये हमारे पास चार पीस हैं, इस तरह से 1, 2, 3, 4, ये चार पीस है हमारे पास। इसको हम इस तरह से सेट करेंगे। बहुत ही आसान तरीका, आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो बहुत ही स्ट्रेट और अच्छा ट्राउज़र बनेगा आपका। ये हमारे पास लेंथ है इसकी 42 इसकी लेंथ है। तो इस ट्राउज़र पे हम पहले सेंटर में निशान लगाएंगे। इसका सेंटर इस तरह से कर लेंगे, इस तरह से करके यहाँ सेंटर में निशान लगाएंगे चौक की मदद से। यहाँ सेंटर में निशान लगाती हूँ। फैब्रिक उल्टा रखना है, सीधा नहीं रखना, उल्टा रखना है। निशान लगाने के बाद हमें पैंचा चाहिए इस तरह से। सबसे पहले हम ऊपर से निशान लगा के कटिंग करेंगे। यहाँ से आ रहा है हमारा 17 इंच, तो हम 16 इंच रखेंगे, आधा आधा इंच सिलाई में जाएगा, 15 इंच आएगा। तरह से निशान लगा देंगे 16 इंच पे। 16 इंच पे निशान लगाने के बाद यहाँ पर हम लगाएंगे 17 इंच पे। हमें आसन चाहिए 15 इंच का, तो हम 17 इंच पे लगाएंगे। ये आसन का आ गया, यहाँ से राउंड कर लेंगे इस तरह से, और यहाँ से भी कोई निशान नहीं लगाएंगे। अब हम आएंगे अपने पैंचे की तरफ। हमें चाहिए 6 इंच, तो हम इसकी रखेंगे 8 इंच, आधा 1 इंच वहाँ से सिलाई में जाएगा, 1 इंच यहाँ से सिलाई में जाएगा। तो 8 रखेंगे, 8 का हाफ होगा 4 इंच। तो ये जो हमने बीच में निशान लगाए, यहीं से यहाँ निशान लगाएंगे। यहाँ निशान लगाने के बाद यहाँ 8 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह से। फिर इसको इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से लेके जाएंगे। ले जाने के बाद यहाँ से थोड़ा सा हम गोल कटिंग करेंगे, गोल कटिंग करेंगे यहाँ से। फिर यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगाएंगे हम। यहाँ से स्ट्रेट लेकर आना है आपने इस तरह से। इस तरह से आ जाएगा हमारा स्ट्रेट ट्राउज़र, सही। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये जहाँ हमने निशान लगाए थे वहाँ हमने कट कर दिए इस तरह से। ये स्ट्रेट ट्राउज़र है। अब यहाँ से हम इसको इस दो हिस्सों को उठाएंगे, ऊपर वाले दो हिस्सों को उठाने के बाद इस तरह से रखेंगे, तकरीबन 1.5 इंच का मार्जिन रखेंगे यहाँ से, और इसको हम यहाँ से इस तरह से नीचे वाले हिस्से को यहाँ से कट कर देंगे। 2.5 इंच वो कम कट होना चाहिए, तो हम उसको कट करते हैं। यहाँ से हम इस तरह से कटिंग करेंगे तो बहुत इजी रहेगा, आप इसके साथ साथ जाएंगे यूँ। ये बहुत इजी तरीका है ट्राउज़र की कटिंग करने इस तरह से। फिर हमने कंप्लीट कर ली इस तरह से। नीचे का हिस्सा हमने कम काट दिया, जो नीचे का हिस्सा हमने कम काटा है उसी को यहाँ से आपने इस तरह से निशान लगा के कटिंग करनी है। ये यहाँ से लेना है आपने, आसन वाली जगह से लेना है आपने, जहाँ से आसन का नाप लिया है वहीं से हम लेके तकरीबन
ढाई इंच नीचे रखते हुए निशान लगाएंगे इस तरह से, फिर इसको इस तरह से तिरछा कर देंगे। यहाँ से आप इतना तिरछा कर देंगे, फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। ये ट्राउजर का आगे वाला हिस्सा आ गया जो हमने तिरछा काटा है ऊपर से, व्यासन आ गया इस तरह से, और ये बैक आ गया, बैक का आसन भी लंबा आ गया, और थोड़ा ये चौड़ा कपड़ा आ गया इस तरह से। अब मैं इसको सीधा करके दिखाऊंगी इस तरह से। ये फ्रंट है, ये बैक है, इस तरह से हमारे ट्राउजर की कटिंग होगी। ये पूरी हमारे ट्राउजर की कटिंग होगी, आप देख सकते हैं। बहुत ही इजी है पैंट ट्राउजर बनाना, बहुत ही सिंपल है। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ट्राई भी कीजिए घर में। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।